नमस्कार दोस्तों, हजारिया टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिन दहाड़े युवक की हत्या से शहर में फैली सनसनी, पुलिस जुटी जांच में। टीकमगढ़ शहर कोतवाली अंतर्गत ताल दरवाजे के पास बने पुराने मकमरे में एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी का माहौल बन गया है। बताया गया है कि शव तालाब दरवाजा निवासी राजकुमार कुशवाहा का बताया गया है। पुलिस ने घटना का मुआयना कर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना से प्रतीत हो रहा है कि यह हत्या है। पुलिस आरोपियों की छानबीन में लगी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कुछ और चीज़ें निकलकर सामने आ सकती हैं। पुलिस अधिकारियों ने इस घटना पर क्या कहा, आइए डालते हैं इस पर एक नज़र। आज टीकमगढ़ के कोतवाली थाना क्षेत्र के ताल दरवाजे के पास जो मकबरा है पुराना, वहाँ पर एक युवक लगभग 25 साल के आसपास उसका शव मिला है और सबको आसपास ब्लड वगैरह लहूलुहाना अवस्था में है और उस संबंध में पुलिस ने अपनी कार्रवाई कर दी है स्टार्ट। हम लोगों ने महत्वपूर्ण साक्ष्यों को एकत्र करने के लिए स्पेशल डॉग स्क्वाड और सभी विशेषज्ञ टीमों को बुला लिया है और संभवतः आरोपी की तलाश भी हम लोग जल्द से जल्द पूर्ण कर लेंगे। शाम तक गिरफ्तार होने की पूरी पूरी संभावना है। हमारी टीमें निकल चुकी हैं और लगातार हर संभव स्थानों पर दबिश दे रहे हैं। सर, वहाँ पर कोई मोटरसाइकिल वगैरह भी मिली है? हाँ, मोटरसाइकिल भी मिली हुई है, तो वो सब चीज़ें देखेंगे, इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें हैं। प्रथम दृष्टया लगभग अभी तक की स्थिति में मर्डर है और पीएम के बाद पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी। सर, उनके परिवार के लोग हैं, कई लोगों से उनका विवाद रहा, उसके बाद भी धमकी दी गई है, उसमें से कोई है? तो ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जैसे स्टेटमेंट आएंगे, जैसी बातें वो बताएंगे, वो तथ्य देखेंगे, उन पर जांच करेंगे। सर बताएं, जो सब बरामद हुआ है वो आप जांच की क्या पाया गया? सर, मेरे द्वारा वहाँ पे घटना से पीछा किया गया है, जहाँ पे राजकुमार कुशवाहा की बॉडी वहाँ पे कमाई दरवाजे के पास पड़ी हुई थी, जिसका घटना से पीछा करके वहाँ पे बहुत सबको का प्रिजर्वेशन कराया गया है और सबको पीएम हेतु भेजा गया है और पीएम उपरांत जो भी डिस्कस निकल के आएगा वो सामने आएगा। सर, प्रथम दृष्टि आपको क्या लगता है कैसे क्या हुआ? प्रथम दृष्टि अभी ये तब ये लग रहा है कि स्टेप वन जैसे उसके शरीर पे घाव हैं जो किसी नुकीले चीज़ से आए हुए से प्रतीत हो रहे हैं और पीएम में अभी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आखिर बदन पे जो घाव हैं किस प्रकार के आधार से आए हैं वो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। सर, इसको हत्या आत्महत्या में से क्या मान सकते हैं? अभी तो प्रथम दृष्टया हत्या की ओर ही ये पता जा रहा है, बाकी